तो फिंगरप्रिंट मतलब हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट। तो देखो हर एक इंसान की एक अलग अलग फिंगरप्रिंट होती है और एक फिंगरप्रिंट जो होते इंसान की सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं वो उनकी आइडेंटिटी होती है। और आजकल तो फिंगरप्रिंट के साथ हम लोग पासवर्ड भी लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट ये आपको पता है कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट क्यों यूनिक होता है, क्यों होता है अलग अलग, और क्या अगर हमारे हाथ पर चोट लग जाए, जल जाए, और अगर हाथ में कोई ऐसा नुकसान हो जाए तो क्या हमारा फिंगरप्रिंट बदल जाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कमाल का फैक्ट। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो हमारे हाथों की जो फिंगरप्रिंट होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसको आजकल हम लोग पासवर्ड की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में अगर अटेंडेंस देने भी जाओ, स्कूल में अटेंडेंस की बात हो, तो हम लोग फिंगरप्रिंट से ही देते हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी हमारे फिंगरप्रिंट से ही लिंक है भैया। अगर ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमारा फिंगरप्रिंट बदलते रहता है, और क्या अगर उस पर कुछ एसिड गिर जाए या वो जल जाए तो हमारा फिंगरप्रिंट क्या चेंज हो जाता है? देखो हमारा फिंगरप्रिंट इतना यूनिक होता है कि वो किसी एक दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से कभी मैच नहीं कर सकता है। हर एक इंसान की अलग अलग फिंगरप्रिंट होती है। ये फिंगरप्रिंट उनकी जीन्स और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, जिसके कारण जो होता है उनकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। जैसे मेरी फिंगरप्रिंट एक अलग होगी, और यही मैं अगर किसी नॉर्थ पोल वाले इंसान की फिंगरप्रिंट लूं तो उसकी फिंगरप्रिंट अलग होगी उसके एनवायरनमेंट के अनुसार। देखो फिंगरप्रिंट आखिरकार बनती कैसे है? तो फिंगरप्रिंट हमारे स्किन की दो लेयर से मिलकर बनती है, जिसमें पहले वालों को एपिडर्मिक और दूसरे वालों को डर्मिक बोलते हैं। इसी दोनों स्किन के लेयर के ऊपर ही हमारी फिंगरप्रिंट बनती है और इसी पे हमारे फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। अगर ऐसे में अगर हमारा फिंगरप्रिंट नष्ट हो जाए या हमारे फिंगर में कुछ कट आ जाए या घाव आ जाए या कहीं से जल जाए भैया, तो हमारा फिंगरप्रिंट क्या चेंज हो जाएगा? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर सपोज हमारे फिंगरप्रिंट पे एक कट लग गया या उस पे एक घाव आ गई, हमारे फिंगरप्रिंट जो होती है कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक उस जगह पे खुद ब खुद अपना प्रिंट ले आती है वापस, जैसे पहले की तरह होती है। तो वो फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होती है। और एक सवाल यह भी है, क्या उम्र के साथ साथ हमारी फिंगरप्रिंट में चेंजेस आते हैं? तो देखो हमारी फिंगरप्रिंट जो होती है ना, बच्चे जब कोख में रहते तब से फिंगरप्रिंट बनना चालू हो जाते हैं, मगर बच्चों की फिंगरप्रिंट और एक बुजुर्ग की फिंगरप्रिंट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अंतर होता है सिर्फ उनके स्किन की खिंचाव की, क्योंकि बच्चों का स्किन जो होता है बहुत ही कोमल होता है और फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा नरम होती है और लूज होती है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो वो स्किन टाइट होती जाती है और हमारा फिंगरप्रिंट एकदम सख्त हो जाता है, मगर फिंगरप्रिंट के डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ स्किन का फर्क आता है, स्किन ढीली से टाइट हो जाती है। तो इस तरह से जो होती है हमारी फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, और अगर हमारे फिंगरप्रिंट पे कुछ गिर भी जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप लोग कमेंट करके यह बताना कि आप भी अपने फोन पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा के रखे हो या नहीं।